अरे बाप रे, तो आप ही शेखर बाबू हैं? तभी नहीं तो मुझ पर हाथ साफ करना आसान काम नहीं है। बड़े अच्छे मिले। और आपकी तारीफ? ये है हमारे बाके बाबू, नंबर ही उचक के। अजी उचक का तो क्या, मैं कभी कदा एक का जेब काट लेता हूँ। ये मंजू कहाँ चली गई? मासी की खोली में गई होगी चाय बनाने। तो क्या उससे रसोई का काम करवाना भी शुरू कर दिया? वाह, चाय बनाना भी रसोई का काम करना होता है? जो कुछ मैं कहती हूँ उसकी उलट कार्रवाई होती है। अब तो वो अच्छी भली मालूम होती है। नहीं समझे, टीबी के मरीज कभी कभी बिल्कुल तंदुरुस्त मालूम होने लगते हैं। तब देख थोड़ी सी खुली हवा की गुंजाइश, ये भी हमें मुआफिक नहीं। कुछ ज्यादा घुटन महसूस नहीं होती आप? दरअसल बात यह है कि अगर किसी दुश्मन ने हमें आपके साथ देख लिया तो हमारी सेहत के लिए ठीक ना होगा। कहाँ जा रहे हैं? अभी देख लीजिएगा। कफा 302 उस आदमी पर लगाई जाती है जिसने अपने पूरे होश और हवास में जानबूझकर किसी का खून किया हो। मुल्जिम कालिया पर इल्जाम यह है कि उसने 30 जून की रात को साहूकार धनीराम के मकान वाके सिविल लाइंस में दाखिल होकर उसका खून किया है। तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो? हजूर, मैंने खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल निर्दोष हूँ माए बाप। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो, तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो या नहीं। सबको आपके गुनाहों की सजा देने के लिए बुलाया गया है और वो सजा है बारी बारी आप सबकी मौत। डॉक्टर साहब, मिस्टर रॉय सचमुच पागल है ये अपने आप को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए पागल बन रहा है? मालूम होता है आप सोते जागते दिलीप राय के ही सपने देखा करते हैं। मैंने उसकी लाश देखी थी। आशा, जी चाहता है इस हाथ को मैं जलाकर राख कर दूं जिसने मुझे कलाकार बनाया, ताकि दुनिया वाले ये सबक सीखें कि खेतियां जब लैला उठती हैं तो काट दी जाती हैं, फूल जब खिलते हैं तोड़ दिए जाते हैं, मोहब्बत जब जवान होती है रंग दी जाती है। मुझे चाबियां चाहिए सब कमरों की। चाबियां सब कमरों की? लेकिन वो तो जनाब आइए। बोलो डॉक्टर। कल रात मैं होटल मेरिडियन में था, मड हेलन में, 11 बजे तक मैं वहीं पर था। घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे, मैंने बहुत पी रखी थी इसलिए घर जाते ही मैं सो गया। सुबह रेमी नहीं उठ